नमस्कार, मैं बैराज और आप देख रहे हैं लोकल न्यूज ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक। आज हम बात करने वाले हैं राम मंदिर के केस के बारे में। ये वही अयोध्या का केस है जो पिछले करीबन 25 सालों से चलता आ रहा है और तमाम राजनीतिक पार्टियां आए साल इसके ऊपर अपनी अपनी चुनावी रोटियां सेकती रहती हैं। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने हमारे पूरे देश को उस केस से निजात दिला दी है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने उस केस के ऊपर अपना फैसला सुना दिया है। और हम आपको बता दें कि ये फैसला राम मंदिर के पक्ष में गया है। दरअसल हम आपको बता दें कि ये जो फैसला है राम मंदिर के पक्ष में इसलिए गया है क्योंकि जो मुस्लिम समुदाय के लोग थे उनके पास किसी तरह का ठोस प्रूफ नहीं था, कोई सबूत नहीं था जिससे वो सिद्ध कर पाए कि उस जमीन पर उनका एकाधिकार है। फैसला तो सुना दिया गया है, लेकिन उससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी इसमें शर्तें भी रखी हैं, जिसमें से पहली शर्त यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसी कमेटी की मांग की है जो कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर बनाएंगी, जिस कमेटी के अधीन होगा राम मंदिर का बनवाना और राम मंदिर के बनने के बाद भी उसकी जो भी देख रेख है, उसकी मरम्मत का काम सभी उस कमेटी के द्वारा देखा जाएगा। हम आपको ये भी बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से जो इलाहाबाद हाईकोर्ट का आदेश था कि जिसमें सुन्नी वक्फ बोर्ड को जमीन का बंटवारा करने को कहा गया था, वो आदेश गलत साबित हुआ है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मुस्लिम समुदाय के लोगों को वैकल्पिक स्थान पर जमीन मुहैया कराई जाएगी जो कि 5 एकड़ जमीन होगी और उसी 5 एकड़ जमीन पर उनकी वो मस्जिद बनेगी। हम आपको ये भी बता दें कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने जो बाकी की जो याचिकाएं थी जो काफी समय से लंबित थी उनको खारिज कर दिया है। सुनवाई के आखिर में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने रंजन गगोई ने जो रामलला के वकील थे पराशरण CS वेदनाथ के साथ हरिशंकर जैन की भी सराहना की। तो इसी के साथ आज की खबर यहीं तक, और इसी तरीके की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहें लोकल न्यूज़ ऑफ इंडिया, गांव की गूंज दिल्ली तक।